हुक्मरान के जो हम देख रहे हैं आज? देखिए, जब कोई फैसला होता है, कोलिशन गवर्नमेंट उसको करती है, तो वो किसी एक वजीर की जिम्मेदारी नहीं होती, इसको कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, इज्तमाई जिम्मेदारी कहते हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि किसी एक पार्टी का फैसला था। हाँ, एक पार्टी इसमें पेश पेश जरूर थी, इस पे ज्यादा कोशिश एक पार्टी ने की, मगर जब फैसला हो गया तो सबका फैसला है। मगर ये गलत फैसला नहीं था मेरे हिसाब से। अभी भी मसला चीनी की शॉर्टेज का नहीं है, मसला मिसमैनेजमेंट का है, मसला होर्डिंग का है। मसला ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जहां जहां भी वो है, आज आप कहें ना सूबों को, बड़ी बड़ी मिलों के गेट तोड़े, अंदर जाएं, अंदर जाके स्टॉक लिफ्ट करें, पता करें ना कि किस मिल में इस वक्त कितना स्टॉक मौजूद है, ये ना देखें कि उस मिल के पीछे कौन है, उसका मालिक कौन है, कौन असरअंदाज हो रहा है इस सारे मामले पे। आम आवाम की भलाई के लिए आज हर सूबा अपनी स्टॉक टेक करे। देखें, मैं वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं और सूबों को कहें कि वो अपने स्टॉक्स आज फैसला कलेक्ट करें। भट्टी साहब, तारण साहब ने तो उसूली बात कर दी, उन्होंने कहा कि जब हुकूमत फैसला करती है तो वो हुकूमत का फैसला, एडमिट किया। इनके दौर में भी जो कुछ हुआ, मैं भी बैरिस्टर साहब के पास भी जाता हूं, लेकिन मुझे ये बताएं, ये ब्लेम गेम से काम चल जाएगा? क्योंकि जो 220 रुपए की चीनी कोटा में खरीद रहा होगा, जो 200 की यहां खरीद रहा होगा, वो ये हमारी कहानी बाय करेगा, तुमने किया सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह इस तरह की पासेस को? ये झूठ बोल रहे हैं, मुनाफकत कर रहे हैं, और ये हमेशा से झूठ बोलते हैं, हमेशा से मुनाफकत करते हैं। ये आपको ज़हन में रहना चाहिए, ज़हन में रखना चाहिए, ये माफियाज का मुल्क है, ये ताकतवरों का मुल्क है, ये पैसे वालों का मुल्क है, ये तबका अशराफिया का मुल्क है। आज तारिक साहब कह रहे हैं ना कि तोड़े शुगर मिलों के दरवाजे, ठीक बात कह रहे हैं। और कब, कित 15 महीनों में, जब आपने ईवीएम खत्म की, नैब खत्म किया, अपनी स्लेटें साफ की, अपने भाई की नाहली खत्म की, बड़े भाई के छोटे भाई ने, जिस दिन फर्दे जो टीटी से निकले, जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग से निकले, करप्शन मुकदमों से निकले, कितने शुगर मिलों के दरवाजे तोड़े आपने? और जिस दिन दरवाजा टूटा ना शुगर मिलों का, ये नहीं तोड़ेंगे। ये जिस मुल्क नहज पे मुल्क चला गया, जिस नहज पे गरीब चला गया, मिडिल क्लास चला गया, सफेद पोश चला गया, गरीब चला गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है, मैं इस हक में नहीं हूं, लेकिन जब गरीब तोड़ेगा ना दरवाजे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि दरवाजे क्यों टूटे, क्यों टूटेंगे भाई? शरीफों की हैं शुगर मिलें, आसिफ जरदारी एंड कंपनी की हैं शुगर मिलों मिलें, इमरान खान के जो पुराने साथी थे जो छोड़ गए उनकी हैं शुगर मिलें। आपने कभी वो शुगर मिल शुगर कमीशन रिपोर्ट पढ़ी, जिसकी जरूरत या जिसकी गलती इमरान खान कर बैठे थे? 362 सफात की वो जो शुगर कमीशन रिपोर्ट थी, जिसके वाजिद ज़िया सरबरा थे, और जिसमें बताया गया था कि FBR भी ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, SECP ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, स्टेट बैंक ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, ECC ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, वफाकी काबीना ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, और जिसमें बताया गया था कि असद उमर से लेकर उस्मान बुज़दार तक, खुसरू बख्तियार से लेकर हाशिम जमां बख्त तक सारे मुलव्वस हैं, और जिसमें बताया गया था कि ये प्राइम मिनिस्टर खुद भी होते हैं, क्योंकि अगर वो कैबिनेट को ऐड करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी जिम्मेदार हैं, मौजूद थे वफाकी काबीना, हिस्सा होती है वजीर आजम समेत। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि इमरान खान ने वजारतों में तब्दीली की, उसके बाद हुआ कि जहांगीर तरीन को ज़रात की, वो जहांगीर तरीन जो कल इनकी नजर में करप्ट था, डाकू था, चोर था, आज इस्तेकाम पाकिस्तान का हेड है और इनका ये सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, जहांगीर तरीन को ज़रात की टास्क फोर्स से हटाया गया, जिसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप वजूद में आया, और जिसके बाद हमारी अदालतों ने, हमारे निजाम इंसाफ ने, बड़े बड़े वकीलों ने अदालतों में पहुंचे, और जब शुगर कमीशन या शुगर कमेटियां जाने लगी गोदामों की तरफ, तो स्टे मिल गए। इस मुल्क में बताएं मुझे, आपने वो एक फिक्रा बोला, दुबई और लंदन में बैठे हैं, अब आई वतन है भाई, वहां नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? ओके, अब वहां नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? जब आपने अपना सारा काम सीधा कर लिया, उसके बाद आपने कहां जाना है? अपने आबाई वतन में कायदीन, इस वक्त जिस हाल में ये मुल्क है, और जिस मुल्क ने इनको नाम मकाम दिया, जिस लोगों ने इनको वोट देकर मुंतखब किया, इस वक्त इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और सुनिए वाले ना और सुनिए, शर्म भी नहीं आनी आती, पता नहीं हम सारों को बहसीत कौम कब शर्म आएगी। जयशंकर ने क्या कहा है कि दिवालिया होती कंपनी के बारे में कौन बात करेगा? वर्ल्ड बैंक क्या कह रही है? अफगानिस्तान की मईशत पाकिस्तान से बेहतर, अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से बेहतर, अफगानिस्तान में महंगाई 10% कम हुई है, और ये नवाज शरीफ साहब की तजर्बा का टीम, ये शबाज़ ये इसहाक डार हमें मरवा गए।